डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल लेजर के एमसीक्यूज़ को। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि जर्नल लेजर से क्या मुराद होती है। आइए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर को। जर्नल लेजर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि दो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उसमें बहुत बेहतर अंदाज से डिटेल में जर्नल लेजर समझ में आ जाएगा। यहाँ मुख्तसरन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जर्नल लेजर क्या होता है, क्या मकसद है इसका। सबसे पहले आप बनाते हैं जर्नल जर्नल, ये आपके सामने एक जर्नल बना हुआ। आई होप कि आपको जर्नल जर्नल आता होगा। जर्नल आपने एंट्री रिकॉर्ड की। जर्नल जर्नल में जो कुछ भी आप लिखते हैं, उस लिखने के अमल को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि जर्नल जर्नल में जो कुछ भी आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। फिर इस जर्नल जर्नल को देखते हुए आप बनाते हैं जर्नल लेजर, यानी कि टी अकाउंट। इसे लेजर भी कहा जाता है, इसे टी अकाउंट भी कहा जाता है। तो कैसे बनाते हैं, जो वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं इतने ही जर्नल लेजर बना जाते हैं, यानी इतने ही टी अकाउंट्स बना जाते हैं। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ सिर्फ किसके बारे में, कैश के बारे में। तो आप सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर कैश का टी अकाउंट। अब कैसे बनाते हैं, 1 जनवरी को कैश का वर्ड मौजूद है, किस साइड पर मौजूद है, डेबिट साइड पर। तो मैंने लिखा 1 जनवरी, ये डेबिट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब डेबिट साइड। तो मैंने डेबिट साइड पर कैश का अमाउंट लिखा 50,000। और कैश के जो अपोजिट साइड पर लिखा हुआ है, कितना क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, वो अपोजिट वाला लफ्ज आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जर्नल लेजर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। ये पहला स्टेप। इसके बाद दोनों साइड्स का आप रफली टोटल करते हैं, यानी कैश सिर्फ एक ही बार आया 50,000। फिलहाल ये सब कुछ सपोज कीजिए, कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये तो बना बना है, अब आपको नजर आ रहा है। सिर्फ ऑरेंज कलर से यहां पर लिखा हुआ है 50,000 डेबिट साइड पर, और राइट साइड पर कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि अगली कोई एंट्री में कैश नहीं है, यानी राइट साइड पर जीरो है। तो आप अगर दोनों साइड्स का रफली टोटल करते हैं, 50,000 यहां का टोटल है और यहां का टोटल कितना है, जीरो। तो इस तरफ का टोटल आता है, यानी डेबिट साइड का टोटल आएगा 50,000 और राइट साइड का टोटल कितना आएगा, जीरो, क्योंकि उस वक्त यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये जो आपने यहां से कैश देखकर लिखा है 50,000, जर्नल जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में जो आपने कैश लिखा 50,000, इस लिखने के अमल को हम कहते हैं पोस्टिंग। यहां से देखकर, यानी जर्नल जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखने को आप क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि आप दोनों साइड्स का रफली टोटल कर लीजिएगा, इधर का टोटल करेंगे तो 50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो जीरो आएगा। ये जो रफली टोटल करते हैं हम, ये आप करेंगे पेंसिल से, और इस रफली टोटल को हम कहते हैं फूटिंग। ये जो रफली टोटल करते हैं, ये टोटल आप करते हैं किससे, पेंसिल से, और इसे आप क्या नाम देंगे, फूटिंग का नाम देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, अब लेफ्ट साइड का टोटल कितना हो गया 50,000 और राइट साइड का टोटल कितना हो गया, जीरो। फिर लेफ्ट में से राइट में से, यानी ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को आप माइनस कर देते हैं, और माइनस करके जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आप क्या कह देते हैं, बैलेंस कह देते हैं। तो इसे आप कहते हैं बैलेंसिंग। यानी टी अकाउंट के तीन स्टेप है, पोस्टिंग यानी यहां से देखकर यहां पर लिखना, फिर फूटिंग यानी दोनों साइड्स का रफली टोटल करना। ये जहन में रखिएगा कि फूटिंग किससे करना है, आपको पेंसिल से करना है। ये मकसद पूरा होने के बाद आप इसे रिमूव कर देते हैं। और आखिरी स्टेप क्या है, बैलेंसिंग, यानी टी अकाउंट को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों साइड्स को बराबर करना है। तो ये टी अकाउंट बनाने का तरीकेकार है। टी अकाउंट पे डिटेल में वीडियो मौजूद है। टी अकाउंट क्या शो करता है, टी अकाउंट किसी भी अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल शो करता है कि उस अकाउंट में कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी हुई और कितना बैलेंस इसका उस वक्त मौजूद है। ये टी अकाउंट यानी जर्नल लेजर आपको शो करता है, किसी भी अकाउंट की मुकम्मल डिटेल को शो करता है क्या, जर्नल लेजर, यानी कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ और कितना बैलेंस उसका इस वक्त मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल लेजर के एमसीक्यूज को। पोस्टिंग मीन्स, अभी मैंने आपको पोस्टिंग का मतलब बता दिया। पोस्टिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने मतलब ये बताया कि जर्नल जर्नल से देखकर जब आप जर्नल लेजर में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। मेकिंग एन एंट्री इन जर्नल जर्नल, जी नहीं, जर्नल जर्नल में लिखने को पोस्टिंग नहीं कहते, बल्कि उसे क्या कहते हैं आप, रिकॉर्डिंग कहते हैं। मेकिंग एन एंट्री इन स्पेशल जर्नल, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांसफरिंग एन एंट्री फॉर्म फ्रॉम अ जर्नल टू लेजर अकाउंट, बिल्कुल सी इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अभी तक, आगे भी देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, किसी भी टी अकाउंट, अकाउंट मतलब होता है टी अकाउंट, किसी भी टी अकाउंट का बैलेंस मालूम करने को आप पोस्टिंग कहते हैं, नहीं उसे तो सर बैलेंसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द एक्ट ऑफ टोटलिंग ऑफ मनी कॉलम्स ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, जब आप टी अकाउंट के
कॉलम का जिसमें पैसे लिखे हुए होते हैं, जैसे अभी पीछे मौजूद था, टी अकाउंट के कॉलम्स का जब आप टोटल करते हैं, मनी के कॉलम का टोटल करते हैं, तो सिर्फ उस टोटल करने के अमल को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पोस्टिंग, रूलिंग, फूटिंग और बैलेंसिंग। देखिए पोस्टिंग किसे कहते हैं? पोस्टिंग तो कहते हैं जर्नल जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखने को। बैलेंसिंग किसे कहते हैं? क्या बैलेंसिंग टोटल करने को कहते हैं? नहीं, बैलेंसिंग कहते हैं दोनों टोटल को आपस में माइनस करने को बैलेंसिंग कहते हैं। वो माइनस या बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ टोटल करने की बात कर रहे हैं। यानी अगर दोनों साइड्स का मैं सिर्फ टोटल कर लूँ, यानी रफली टोटल कर लूँ, तो उसे क्या कहते हैं हम? सर उसे हम कहते हैं फूटिंग। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। फूटिंग इज मेड, जस्ट फूटिंग आप कब करते हैं? देखिए मैंने आपको इसीलिए पूरी साइकिल एक्सप्लेन की थी, आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद, आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद, बिफोर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से पहले, या बिफोर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से पहले। पहले तो रिकॉर्डिंग समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल जर्नल में लिखना। जर्नल जर्नल में लिखने के बाद आप क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, और पोस्टिंग के बाद आप फूटिंग करते हैं, और फूटिंग के बाद आप क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। तो स्टेप क्या हुआ? नंबर वन रिकॉर्डिंग, नंबर टू पोस्टिंग, नंबर थ्री फूटिंग। फूटिंग किस नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है। और नंबर फोर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कौन से पे आ रहा है? फोर पे आ रहा है। यानी बैलेंसिंग से पहले क्या आ रहा है? फूटिंग आ रहा है। तो बिफोर बैलेंसिंग आप क्या करते हैं? फूटिंग करते हैं, बिफोर बैलेंसिंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट समझते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग, नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल जर्नल में लिखना, जर्नल जर्नल में लिखने के बाद तो हम पोस्टिंग करते हैं, तो गलत ऑप्शन है। फूटिंग जो है वो बैलेंसिंग से पहले करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। द टर्म बैलेंसिंग मीन्स टू, बैलेंसिंग से क्या मुराद है? आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आप टी अकाउंट के दोनों साइड के बैलेंस को मालूम करके उसे लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन बैलेंसिंग किसके बैलेंस को मालूम करना है? जर्नल लेजर के बैलेंस को मालूम करने को बैलेंसिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन, टेली बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं जी, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड को बराबर करने को बैलेंसिंग नहीं कहते हैं। टैली बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट के दोनों साइड्स को बराबर करने को बैलेंसिंग नहीं कहते हैं। रिकंसाइल कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, जी नहीं, इसको भी नहीं कहते हैं। जब तीन ऑप्शन नहीं है तो सर जाहिर सी बात है आखिरी ऑप्शन तो होगा ही होगा। कैलकुलेट एंड राइट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट मतलब टी अकाउंट, टी अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करना और उसे लिखने को हम बैलेंसिंग कहते हैं। बिल्कुल, टी अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करने को और उसे लिखने को ही हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ लेजर कंसिस्ट ऑफ, लेजर मतलब टी अकाउंट, टी अकाउंट जो आपका बनता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, यानी किसको देखकर, किसकी बुनियाद पर वो बनाया जाता है? नंबर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं बनाया था। जर्नल एंट्रीज से बनाया जाता है, हाँ ऑप्शन ये कुछ सही लग रहा है, जर्नल एंट्रीज। खैर अभी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, यानी टी अकाउंट्स के ग्रुप को देखकर बनाया जाता है, जी नहीं, टी अकाउंट्स का जो ग्रुप होता है उसे तो हम जर्नल लेजर कहते हैं, सॉरी उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, सॉरी। टी अकाउंट्स का जो ग्रुप होता है, यानी अकाउंट का ग्रुप समझ आते, टी अकाउंट का ग्रुप, टी अकाउंट का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे कह रहे हैं लेजर, लेजर किसको देखकर बनाया जाता है, यानी किस पर मुश्तमिल होता है? स्पेशल जर्नल पर, जी नहीं, लेजर मुश्तमिल होता है किस पर? जर्नल एंट्रीज पर। यानी जो कुछ भी आपने अपनी जर्नल एंट्रीज में लिखा होता है उसी की बुनियाद पर आप क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The process of transferring debits and credits from the journal to the ledger account is called, I hope कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, footing, जी नहीं, balancing, जी नहीं, trial balance, जी नहीं, posting, हाँ posting, यानी जब आप journal से देखकर ledger में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं posting, तो option D is the correct answer. Next MCQ, in ledgers, ledger मतलब T account, in ledger we use pencil for, आपको मैंने बताया कि pencil हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या फूटिंग के लिए यूज करते हैं, पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं, या क्लोजिंग के लिए यूज करते हैं, किस लिए हम पेंसिल यूज करते हैं? तो मैंने आपको बता दिया था कि फूटिंग वो अमल है जिसके लिए आप पेंसिल यूज करते हैं, रफली टोटल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको जर्नल लेजर के एमसीक्यू समझ में आए होंगे, जर्नल लेजर भी कुछ आपको बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।